नहीं है जो यहाँ पर हरकत हुई है उसके बाद केवल और केवल हम डीसी महोदय से और एसपी महोदय से ये जवाब जानना चाह रहे हैं कि कुछ अधिकारी वो अंदर कैसे पहुंचे और कुछ ऐसे व्यक्ति जो अनआइडेंटिफाइड है वो अंदर कैसे पहुंचे, केवल इस बात का हमें जवाब चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम सब साथियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रोड पे धरना देंगे। मैडम बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी का कोई उम्मीदवार यहाँ दिखता, नाकुन का कोई एजेंट दिख रहा है, इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए तो आप बताएं, आप लोग बताएं, एग्जिट पोल बता रहा है 75-80 और क्या सेटिंग है? सेटिंग चल रही है और वो मशीनों में तो कुछ हुआ नहीं। मैडम तो आप लोग बताएं, खुल के ये बोला गया है कि चाहे कुछ भी हो जीते। देखिए मेरा केवल यही रिक्वेस्ट है कि मेरा केवल रिक्वेस्ट यही है, एज पर द इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से CISF होनी चाहिए, BSF होनी चाहिए, हरियाणा की टुकड़ी नहीं होनी चाहिए थी। वो अंदर क्यों है? तीन तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। जब हमारे कैंडिडेट्स के जो हमारे साथ लोग हैं उनको तो बाहर बिल्डिंग से बहुत बाहर तक आप बैठने नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस के कर्मचारियों को आप रुकने के लिए CISF की ड्यूटी अंदर है और CISF के कमांडेंट है, तो हरियाणा के कर्मचारी कैसे घूम रहे हैं? और अंदर कुछ CCTV जो ठीक करने वाले लोग हैं उनके पास बिना आई कार्ड के उनको एंट्री है, उनको ये नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, किस कंपनी के हैं, क्या है, उनके पास इतनी हार्ड डिस्क और सब कुछ मिला है। इलेक्शन बिल्कुल हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फेयर या इस तरह से है। सबसे बड़ी प्रशासनिक जो फेल्योर है कि हम जो यहाँ के ऑब्जर्वर हैं उनको हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, हमने लिखित तौर पर उनसे ये जवाब मांगा है कि जब एक स्ट्रांग रूम के आसपास केवल और केवल CISF होनी चाहिए थी, हरियाणा पुलिस के कर्मचारी अंदर क्या कर रहे हैं? और उनको रोकने के लिए ऊपर रुकने की व्यवस्था कर दी गई, जबकि जो कैंडिडेट्स हैं उनके जितने भी साथ रुकने वाले थे उनको यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दी गई। तो हमारी तो केवल ये मांग है कि पहले ये बताया जाए कि BSF के अलावा जो है या CISF के अलावा कोई भी हरियाणा पर्सनल चाहे SP DC है जो भी है यहाँ से एंट्री के बाद होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस कैंपस के अंदर थे। कितने प्राइवेट पर्सन दिखे मैम आप लोग? बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे हैं, दो तीन तो किसी की पहचान भी कोई। देखिए कोई तो एक वो है, कोई जो आरओ है मिस्टर श्रीनिवास है, क्या है वो है, और दूसरा चलो DC SP है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। केवल इशू ये है कि जो कैमरा को ऑपरेट करते हैं, आज की डेट में अगर कैमरा आपने लगाया गया, इतनी फेल्योर कैसे है कि वो कैमरा ब्लैंक हो जाए? एक तो हमने उनसे डिमांड की है कि आप हार्ड डिस्क लगा के हमें जो पूरा 24 घंटे की रिकॉर्डिंग है वो हमें दिखाई जाए। और दूसरी बात, जब गड़बड़ हो रही है तो दूसरी पार्टियों के लोग हैं यहाँ पर, बीजेपी के लोग क्यों नहीं आए? बीजेपी के कोई कैंडिडेट क्यों नहीं आए? उनको ये क्यों नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है? क्या वो क्यों क्या मान के चले 75 बिना आए? उनको क्यों नहीं लग रहा कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है? क्यों दूसरे कैंडिडेट्स केवल यहाँ पर आए हुए हैं? तो मेरा तो केवल आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को दिखाएं कि DO चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, चाहे SP हैं, एक शब्द भी वो बताने की स्थिति में नहीं है कि इतने सारे बंदे कैसे घुस गए जब सारी चीज़ें सील हो गई थी। तो कोई आम व्यक्ति तो अभी वो बंदे अंदर ही हैं मैम? बिल्कुल वो अंदर ही हैं, हमने उनके कैमरा ले लिए हैं ना, हमने उनके फ़ोन ले लिए हैं, वो बार बार फ़ोन कर रहे थे किसी को, वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो लोग कौन हैं। मैं जब आया यहाँ, एक 3-सितारा इंस्पेक्टर है, उसने मेरे को धक्का मार के मेरे गाड़ी दी, मेरा तेरे से कैंडिडेट और तेरे कैसे MLA घने देखूँ, अरमन घने देखूँ, और मेरे तक गाड़ी दी, और जो हालात हो रहे हैं मैं बोल दी, वे कति क्लियर BJP अपना जो पैसे का लेन देन, जो यहाँ मौके पर अफसर बैठे हुए हैं उनके साथ लेन देन करते हैं, पैसे खरीद लिया और अपने आप को जितना हुआ साबित कर रहे हैं। और जहाँ जो क्या गड़बड़ हुई है आपके हिसाब से, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ जो अंदर हुई है? कैमरे वाले अंदर जो कैमरा बंद था उसको चालू कर गया, यहाँ लड़के आए, उन्होंने देख के यहाँ हंगामा करा, तो मेरे पास फोन करा, मैं यहाँ आया, उसके बाद इंस्पेक्टर मेरे साथ ही हरकत की ना, और हमने 1 घंटा हो गया यहाँ आए, अब तक ना मंत्र पड़ा बाड़े हैं अंदर चले। आपके साथ मशीनों से साथ छेड़छाड़ हुई है? हाँ 100% 200% मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई, कई घंटे कैमरे बंद रहे मशीनों के साथ। तो सर कैंडिडेट के साथ 200% मशीनों में गड़बड़ी हुई है, और जो ये बात चल रही है देश में, अरे मोदी जी अमित शाह ये मशीनों में गड़बड़ करते हैं, ये 100% नहीं 1000% गड़बड़ है मशीनों में। आप लोग कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? कोई जांच कराई है? 1 घंटे से खड़े हो यहाँ, कोई जांच ना हमारे अंदर जाने दिया अब तक, ना हमारे अंदर जाने दिया, कैमरे वाले अंदर है, वो तो गाड़ी दी थी इंस्पेक्टर अंदर है, लेकिन हमारे अंदर नहीं जाने दे रहे। अब क्या स्टैंड ले रहे हो आप लोग? क्या हमें लोग आने लग रहे हैं, रोड जाम करेंगे, बैठेंगे बड़े आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्यों करो
अभी ठीक हुआ है। यहाँ भी सोने वाले का उस ऊपर तो पुलिस वालों को